हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एमएस पेंट का ट्यूटोरियल नंबर 12। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 11 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग व्यू टैब का यूज करना सीखेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके होम टैब के राइट साइड में आपको मिलेगा व्यू का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को होम टैब और फाइल टैब के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जूम इन का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस पेज अप बटन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज को जूम इन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने से मेरा पेज जूम इन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें जूम आउट का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा पेज है ये यहाँ पे जूम आउट हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें 100% का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज की जूमिंग बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका एमएस पेंट सॉफ्टवेयर है, इसके पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग 100% होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें रूलर का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस आर बटन। तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा रूलर ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका टॉप का रूलर है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं, और जो आपका लेफ्ट का रूलर है, इसको हम लोग वर्टिकल रूलर बोलते हैं। ओके, तो जो आपका एमएस पेंट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको दो रूलर मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा रूलर ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें गाइडलाइन का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस जी बटन। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पेज के ऊपर मेरा गाइडलाइन आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज के ऊपर गाइडलाइन लगा सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें स्टेटस बार का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपने स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके आगे आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका स्टेटस बार है, ये आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर ओपन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपका यहाँ पे स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा स्टेटस बार हाइड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इसको अनहाइड करना है, तो इसके लिए आपको एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा स्टेटस बार है ये फिर से अनहाइड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टेटस बार ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन मिलेगा इसमें फुल स्क्रीन का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा F11 बटन। तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा एमएस पेंट सॉफ्टवेयर है, ये फुल स्क्रीन में हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको अपने फुल स्क्रीन को क्लोज करना है, तो उसके लिए आपको अपने पेज के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा फुल स्क्रीन था वो यहाँ पे क्लोज हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फुल स्क्रीन ऑप्शन। ओके, तो ये थे व्यू टैब के कुछ ऑप्शन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।